सेंचुरी में इसके अलावा दूसरा कोई कुछ नहीं सोचता, वो बहुत अच्छी दिखती है। सो उसको वहां से निकालकर मेरे रूम में, मेरे दोस्त के रूम में या उसके रूम में मैं कैसे मिल पाऊं, वो वही सोचता है, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं सोचता है। अगर आप भी ऐसे लोग हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आप अपने जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आप भूल जाओ कि आप सक्सेसफुल रहोगे। आपको क्या लगेगा सक्सेसफुल मतलब बहुत सारा पैसा, दो चार घर, दो चार गाड़ियां, ये सक्सेस नहीं है, ये कचरा है, ये सक्सेस नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं ऐसे काफी सारे लोगों से मिल चुका हूं। मुझे एक एक, एक जन ने अपने घर पे प्रार्थना के लिए बुलाया था, एक विश्वासी थे जो मेरे बहुत अच्छे संपर्क में थे, उनके संपर्क में और एक व्यक्ति था जो अरबपति था। उन्होंने कहा कि क्या प्लीज आप मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए आओगे। मैंने कहा हाँ मैं आने के लिए तैयार हूं। सो उन्होंने मुझे और किसी घर पर लेकर गए। तो जब मैं उनके घर में प्रवेश किया तो मैं आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि बहुत बड़ा घर। उस घर में जैसे मैंने प्रवेश किया, सामने एक बार उनके घर के अंदर जब मैं और आगे बढ़ा, एक बहुत बड़ा बेडरूम, एक बहुत बड़ा किचन, मतलब ऐसा लग रहा है मैं सपने में जी रहा हूं। वाह कितना सुंदर घर है, कितना अद्भुत घर है। तो बार को हटा देंगे, वो सपना मेरा नहीं है बार बनाने का। सो वो प्रेयर रूम ले लेंगे उसको। तो वो बहुत लग्जरियस था, बहुत अच्छा था। तो मैंने पूछा कि क्या प्रार्थना करना है। वो कहते हैं कि नींद नहीं आता है आपको, हम लोगों को ये बेडरूम का जो अलमारी है उसका दरवाजा कट 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 करता रहा आपको। अच्छा लोगों के लिए ही सक्सेस है। अब जब लोग वहां पर पहुंच जाते हैं उनको नींद नहीं आता, क्या फायदा है वो सक्सेस को लेकर। सो जितने भी जो भी जवान लोग हैं, आपके लिए वो सक्सेस नहीं होना चाहिए। आपके लिए सक्सेस क्या होना चाहिए मालूम है, क्योंकि आपको ये जानने की जरूरत है कि किस प्रकार परमेश्वर आपके साथ में है। यूसुफ के समय में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। यूसुफ जब आप पढ़ोगे इसके बारे में उत्पत्ति 39वां अध्याय, वहां पर लिखा गया है कि यूसुफ बहुत बड़े समस्या में था। जब वो अपने पिताजी के घर पे था, उसका पिताजी उसका बहुत प्यार करता था और लाड़ करता था, सबसे बेस्ट उसको लाके देता था, सबसे अच्छा खाना, सबसे अच्छा कपड़ा, उसके बारे में बढ़ाई, उसके साथ समय बिताना बहुत अच्छा था। लेकिन ऐसा कुछ हो गया कि वो सारा चीज उसके पास से चले गया, वो सारा चीज चले गया, यहां तक कि उसके बदन पे कपड़े नहीं रहे। जब आप यूसुफ की कहानी को पढ़ोगे तो उसे गाड़ी में रथ में बिठा के नहीं लेकर गए, उसे चला के लेके गए, उसे उसे खरीदा गया था। वो नौकर था, वो नौकर नहीं, वो गुलाम था। नौकर एक अच्छा पोजीशन है, लेकिन वो गुलाम था, सबसे बेकार पोजीशन। गुलाम इसका मतलब है कि तू 48 घंटे सो नहीं सकता, अगर सोया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप उसको बोल नहीं सकते कि रे मैं ये काम नहीं करूंगा, तुझे खरीदा गया है, जो हम बोलेंगे तुझे वो करना पड़ेगा। तो ऐसे उसका हालत था। उसकी जरूरत थी कोई अच्छा दोस्त, उसकी जरूरत थी कोई अच्छा परिवार, उसकी जरूरत थी थोड़े बहुत पैसे, उसकी जरूरत थी अच्छे कपड़े, उसकी जरूरत थी अच्छा खाना, यही उसकी जरूरत थी। तो जिस घर में वो काम करता था, जिस महल में वो काम करता था, वहां के महारानी ने उसे कहा मुझे बहुत अच्छा लगता है, सो तेरा इरादा क्या है। वो कहता कि आप बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गलत करने का कोई मेरा इरादा नहीं, क्योंकि मैं प्रभु के विरोध में कैसे काम करूं। जोसेफ प्रभु के विरोध में तो कुछ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि तब तक किसी ने लिखा नहीं था कि गलत चीज करने का गलत परिणाम है, कुछ नहीं लिखा था। अगर वो उस महिला के साथ एक हो जाता, उस महिला की इच्छाओं को पूरी करता, कोई प्रॉब्लम नहीं था वहां पर, क्योंकि व्यवस्था नहीं थी वहां पर, कोई समस्या नहीं था, कुछ लिखा ही नहीं था बाइबल में। लेकिन वो जानता था उसका हृदय कि प्रभु को क्या पसंद है, वो जानता था कि वो परमेश्वर का अनुभव करता था 2400 घंटे। उसके लिए दुनिया का कोई संपत्ति महत्वपूर्ण नहीं था, उसने समझौता नहीं किया, चलो यार कोई प्रॉब्लम नहीं है,
एक बार कर लेते हैं, कोई इश्यूज नहीं है, सब तो मिलेगा ना मुझे, मुझे औहदा अच्छा मिलेगा, मुझे खाना मिलेगा, मुझे कपड़ा मिलेगा, जब मैं घूमने जाना चाहता मुझे छुट्टी मिलेगी, मुझे पैसा मिलेगा, मुझे वहां पर जो गधे हैं या घोड़े हैं या रथ है वो भी मिलेगा, मैं सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति बनूंगा। उसने ये नहीं सोचा, उसने कहा नहीं यार, मैं समझौता नहीं कर सकता, मुझे मालूम है कि ये प्रभु के नजर में गलत है, और प्रभु ने जिसके अधीन मुझे रखा है उसके लिए भी ये गलत है, मैं उसको कैसे फंसा सकता हूं। अगर आप प्रभु के साथ ईमानदार रहोगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सबके साथ ईमानदार रहोगे, अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ बेईमान है तो वो प्रभु के साथ बेईमान है पहले, और उसके बाद वो सबके साथ बेईमान बनता है। अगर जो व्यक्ति प्रभु के साथ ईमानदार है वो सबके साथ ईमानदार रहेगा, सबके साथ, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो यहां वहां की बातें नहीं करेगा, वो अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा। अरे वाह क्या खूबसूरत पिक्चर है यार, मुझे तो ऐसे पिक्चर बहुत पसंद है, मुझे तो ऐसे ऐसे फोटोज देखना बहुत पसंद है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, वो उस चीज का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर क्या पसंद है, वो जानता है। और प्रभु वो देखते हैं, प्रभु ने देखा, यूसुफ तूने समझौता नहीं किया बेटा, कोई इश्यूज नहीं है, कुछ दिन तक और थोड़ा तकलीफ झेल, अपने आप को प्रिपेयर कर, अपने आप को तैयार कर, क्योंकि जहां भी तू जाएगा उस जगह को मैं इस्तेमाल करूंगा तेरे तैयारी के लिए। वो वहां पर गया, उसके उसके नाम पर झूठा आरोप लगाया गया, संसार आपके बारे में क्या कहता है उसका बिल्कुल परवाह मत करो, आप घमंडी हो चुके हो, आप बात नहीं करते, आप ये है, कुछ परवाह मत करो, आप प्रभु के साथ कैसे जुड़े हुए हो वो देखो, आप प्रभु के साथ कैसे जुड़े हुए हो। उसने कहा अपने पति से, ये गलत चीज मेरे साथ करना चाह रहा था। उसके पति ने उसके पत्नी का बात ही माना, जो लोगों के नजदीक है वो उनका बात मानेंगे और आपको आरोपी ठहराएंगे, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने अगर अपने काम की जगह पे चोरी नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं, लोग फंसाने दो, परमेश्वर उसको ऐसा इस्तेमाल करेगा जहां पर आप कुछ समय के बाद ऐसे लोगों को नौकरी दोगे, वो इस्तेमाल करेगा। आप ईमानदार, आप झगड़े मत करो वहां पर, तेरी हिम्मत कैसे मुझे ऐसे कहने के लिए, नो टेंशन, कोई समस्या नहीं, बोल भाई तेरे को जो बोलना है बोल, कोई प्रॉब्लम नहीं, ईमानदार बने रहो प्रभु के साथ। लोगों के साथ ईमानदार बनने से पहले आप प्रभु के साथ। Thank you.